जय हिंद, मेरा नाम गोविंद कुमार, मैं आज बिलोपन विधि से तीसरा क्लास लेकर आया हूँ। दो जो बिलोपन विधि से दो क्वेश्चन बता चुके हैं, आज ये तीसरा क्वेश्चन से वो दो क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप लोग देखिएगा यहाँ पे बिलोपन विधि से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब इसमें भी आपका वही यहाँ एक्स और वाई का मान निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एक एंड समीकरण दो, वही प्रोसेस आपका, वाई भी कटा देंगे नहीं तो एक्स कटा देंगे। किसको कटाना है तो वाई वही कटाते हैं हम लोग, तो जो छोटा रहता है ना उसी को कटाते हैं ज्यादातर हम लोग, ये वाई वही कटाना है। तो फिर वाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं था वन है, यहाँ पे कुछ नहीं था दो, ऑलरेडी दो है, तो एक में दो से तो कटेगा ही नहीं। हम लोग यहाँ पे दो वाई है तो यहाँ पे भी दो वाई होना चाहिए, मतलब यहाँ पे दो वाई है तो यहाँ पर भी दो वाई होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें दो से गुना कर देंगे बराबर करने के लिए, सिर्फ इसमें गुना नहीं करेंगे, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे दो से गुना करने पे दो आई आ जा रहा है तो बराबर क्यों करेंगे। तो हम लोग समीकरण एक में सिर्फ और सिर्फ दो से गुना करेंगे और दो समीकरण को घटाएंगे, बस घटाएंगे तो कट जाएगा, इसलिए घटा रहे हैं ना, क्योंकि एक और दो समीकरण में वाई का मान दोनों माइनस में, अगर समान चिन्ह रहेगा ना, समान सही रहता है, अगर दोनों माइनस है तो घटाएंगे, और दोनों अगर प्लस रहे तो ही पे हम लोग घटाएंगे, और एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो नहीं घटाएंगे। जैसे ये प्लस रहता है माइनस रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग साइन में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन बता चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन बिलोपन विधि वाला, हम देख लीजिएगा एक बार, आपका देखिएगा ध्यान से, हम लोग दो से गुना करेंगे इसमें तो दो एक्स, तीनों में गुना करना पड़ेगा, दो वाई एंड तीन गुना छ, दो समीकरण को सेम उतार देंगे, तीन एक्स दो वाई इक्वल टू टेन, क्या कर रहे हैं हम लोग, घटाएंगे, सीन को बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। हमने क्या किया कि दो से गुना कर दिया, दो एक्स माइनस में दो वाई, तीन दूना छ, तीनों में गुना करेंगे और सेकंड समीकरण को सेम वैसे उतार देंगे, और यहाँ पे घटा रहे हैं क्योंकि दोनों माइनस में, तो कटेगा नहीं ना, चीन चेंज होगा तब कटेगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये घटा सकते हैं, देखो दोनों कट गया, अब क्या करेंगे यहाँ पे, दो एक्स है तीन वाई है, घटेगा, ये मतलब तीन एक्स माइनस में है और ये प्लस में है तो क्या होगा, घटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन एक्स में से अगर एक एक्स जाएगा, दो एक्स जाएगा तो एक एक्स बचेगा, माइनस में बचेगा, मतलब तीन गो में से दो घटेगा तो एक एक्स, एंड माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में बचेगा, बराबर तो बराबर। यहाँ पे वही हाल, वही हाल, ये माइनस में दस है और ये छह है, घटा देंगे चार आएगा, बट माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में से घट रहा है, यानी दस में से घट रहा है, ठीक है, माइनस में से घट जाएगा आपका, तो एक समान आपका चार आ गया। अब इस एक समान समीकरण एक में या दो में रख देंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स का मान समीकरण एक में रख रहे हैं क्योंकि एक छोटा है इसलिए एक में रख रहे हैं, आसानी से बनेगी। समीकरण एक का मान एक में रखने पर देखिएगा ध्यान से, एक में रख रहे हैं हम लोग, एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, जहां एक्स तहां क्या रखेंगे, चार रखेंगे, बाकी सब सेम उतार देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चार को भेज देंगे, आगे प्लस हो तो माइनस में चल जाएगा, माइनस वाई है तो वाई आगे, माइनस यहाँ पे नहीं भूलना है, आगे माइनस वाई का तो माइनस बचेगा, बराबर थ्री तो थ्री, आगे प्लस में है तो माइनस में जाएगा, ये घटेगा उल्टा हम लोग, मतलब ये आगे प्लस ये माइनस, मतलब तीन में से चार घटाएंगे, मतलब चार में से घटा रहे हैं तीन को, तो इसलिए माइनस वन आएगा, तीन में से चार तो एक आता है ना, उल्टा घटा रहे इसलिए माइनस वन बचेगा, यहाँ माइनस बस कट जाएगा तो वाई का मान आपका एक आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो एक्स का मान एक एंड एक्स का मान चार आया है एंड वाई का मान एक, आंसर।